जश्न जिंदगी, जिंदगी का ये जश्न मनाया गया दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। दरअसल दिल्ली पुलिस की पहल पर फिर से राहगीरी दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि राहगीरी दिवस में शिरकत करने के लिए बड़ी संख्या में हर आयु वर्ग के लोग पहुंचे। डांस, मस्ती और सेहत के साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के मायने समझाए गए। मकसद यही कि लोग सुरक्षित और सेहतमंद रहें। तेज आवाज में बजते म्यूजिक पर थिरकते युवा, तो कहीं फिटनेस क्लासेस में सेहत के प्रति फिक्रमंद लोग। यहाँ पर आपको उम्र का कोई बंधन देखने को नहीं मिलेगा। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, हर व्यक्ति उत्साह से लबरेज है। ये नजारा दिल्ली का दिल कहे जाने वाले नॉर्थ प्लेस के इनर सर्कल का है। कोविड के बाद दिल्ली पुलिस ने फिर से राहगीरी दिवस की शुरुआत की। यहाँ मस्ती का मेला लगा, जिसमें योग की क्लास हुई, डॉग स्क्वाड की परेड चली, कहीं जूडो कराटे का अभ्यास किया गया तो कहीं डांस की पाठशाला हुई। सड़क सुरक्षा से लेकर सेहत को दुरुस्त रखने का यहाँ फुल डोज है, जिसका आनंद लेने वाले इस राहगीरी को लेकर क्रेजी दिख रहे हैं। सड़क की दूसरी तरफ बच्चे चित्रकारी कर रहे हैं। काफी सालों बाद लोगों को मस्ती की पाठशाला का हिस्सा बनने का मौका मिला, लिहाजा लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को अवेयर करने के लिए और अपने को फिट रखने के लिए। राहगीरी अपने आप में एक ऐसा मेला है जहाँ हर वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। नौकरी पेशे वाले हों या फिर रिटायर्ड, कोई भी राहगीरी से जुड़कर खुद को फिर से एक्टिव कर सकता है। दिल्ली NCR के रहने वाले लोग जमकर मस्ती करते दिखे, स्वस्थ रहने के लिए योग और एरोबिक्स करते दिखे। बच्चों के चेहरों पर छाई मुस्कुराहट लंबे समय बाद देखने को मिली। राहगीरी में कहीं स्वच्छता अभियान को लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए ग्रीन सिटी और ग्रीन सिटी के मायने समझाए गए, तो कहीं बड़े बैनर पर सिग्नेचर करके यूथ अपने शहर को स्वच्छ बनाने की शपथ लेते नजर आए। राहगीरी के जरिए दिल्ली पुलिस ने लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम तो समझाए ही, साथ ही शहर को साफ रखने का संदेश भी दिया। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।